सॉरी कि वीडियो लेट है, मेरे पास स्कूल का कुछ ज़्यादा काम था तो मुझे टाइम नहीं मिला। आई होप यू कैन फॉरगिव मी। चलो स्टार्ट करते हैं। बस ये फ़ोन आ रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए बट मुझे ये लेना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ जल्दी से ले लो। तुम कहाँ गई हो? मैं लंच कर रही हूँ कुछ फ्रेंड के साथ। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम जोशन के पेरेंट के साथ मीटिंग कर रही हो, तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, ऐसा ही है क्या? नहीं, मैं तो है अभी वापस आ रही हूँ। इसने फ़ोन काट दिया। मैं तो गई, मुझे भागना होगा। मुझे माफ़ कर दो जोशन, पर कुछ चीज़ें आ गई हैं जो मुझे जाना होगा। प्लीज़ अपने पेरेंट्स से मेरी जगह पर माफ़ी मांग लेना। आउच, तुम सच में टाइम मैनेजमेंट की रियल मास्टर मिस क्यों? तुम मेरे साथ पूरी रात सोई थी और आज तुम किसी और के आदमी के पेरेंट्स से मिल रही हो। नियॉन, ये ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, सिर्फ एक गलत फहमी है। एक गलत फहमी? तो तुम जशन के पेरेंट के साथ नहीं थी अभी? मुझे तुम्हें देना होगा स्टेला, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं समझ सच बता रही हूँ, ये सिर्फ एक गलत फहमी है। स्टेला ये चल क्या रहा है? वेल अगर ये वेल क्या तुम्हारा लवर वही नहीं है? तो यही है जिसके पेरेंट्स के साथ तुम मीटिंग कर रही थी। सुनो, अगर तुम मेरे साथ खेल रही हो फिर भी, अभी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है। मैं नहीं, तुम क्या बातें कर रही हो? कौन सा लवर, क्या कॉन्ट्रैक्ट? मैं अपनी वाइफ के साथ अभी बात करूँ, क्या तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है इसके साथ? तुम तो चला, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? ये किस तरह का सीक्रेट है जो तुम हर किसी से छुपा रहे हो? अब मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूँगी? क्या हुआ, क्या तुम एडमिट नहीं कर सकती अपने लवर बॉय के सामने यहाँ पे? वेल वी आर करंटली, रुक जाओ, ये मैटर नहीं करता। लियोन, मैं केयर नहीं करता कि तुमने स्टेला से शादी क्यों करी, बट अब कि तुम मैरिड हो तुम बेटर है कि तुम उसकी तरफ अच्छे रहो, अदरवाइज मैं बुरा नहीं मानूंगा कि तुम्हारा प्लेस ले लूँ स्टेला के लिए। देखो हनी, स्टेला और जशन कितने क्लोज है। वेल तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे मत बताना कि तुम एक्चुअली इस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो। मुझे माफ़ कर दो जोशुआ। क्या तुम, क्या ये करीब से देख लो, स्टेला मेरी वाइफ है, तुम्हारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ नहीं। जोशुआ ये चल क्या रहा है? अपने आपको एक्सप्लेन करो यहीं पर अभी। मॉम डैड, ये सिर्फ एक गलत फहमी है। जोशुआ हमें सच बताओ, क्या तुम्हें स्टेला पसंद है? मुझे लगता है कि स्टेला अच्छी है। वह क्या पीटी है, मुझे याद है जब तुम छोटे थे स्टेला हमारी पड़ोसी की बच्ची थी, तुम उसके साथ ज़्यादातर घूमते थे। तुम उससे बाहर के लिए बुला सकते हो ना? मैं स्टेला से बेटर लुकिंग, मतलब बेटर गला असल नहीं ढूंढ पाया। लियोन ओल्ड हाउस आफ्टरनून में, लियोन जब हम वापस आ गए उसने मेरा सर तो नहीं खाटा, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। चेरिशन में बेटर होता जा रहा है, मुझे नहीं पता अब मेरा आगे क्या इंतज़ार कर रहे हैं। ये लिटिल बॉय क्या शूट खेल सकता है? 0.9 ट्राई करो अगर तुम्हें बिलीव नहीं करते मुझ पर। बिंगो, ये लो तुम्हारे लिए, ये मुझे इसमें टेस्ट करना चाहता, इतना एक है स्ट्रॉन्ग बॉय। बिंगो, तुम अमेजिंग हो। मैं चला क्यों, शायद हम फ्रेंड बन सकते हैं। कॉनर चैन, कॉनर अपना हाथ हटाओ इससे। यस, और हमें शायद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। ये स्टेला क्यों है? चेस की एक्स गर्लफ्रेंड, लॉरिक अंकल, लियोन्स का एल्डर ब्रदर। तुमने बात भी करी? हाँ, कॉनर है ना मेरे भाई का बेटा और गायब हो गया, ये शेम है बट ये ज़्यादा बात नहीं करता। तुम फर्स्ट इंसान हो जिसने इसने लास्ट दो हफ्तों में बात करी। रियली, क्या तुम्हें बात करना पसंद नहीं है? कौन और क्या तुम्हें स्टेला पसंद है? कौन है स्टेला? ऐसा लगता है कि कौन और तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्या तुम प्लीज़ उसकी मदद करोगे उसके होमवर्क के साथ? ये एलिमेंट्री स्कूल जा सकता है, तुम्हारे स्कूल से अटैच होते हैं और वो नेबरहुड में ही रहेगा। क्या लियोन डरता नहीं कि लोरिन हमारे बारे में पता लग जाएगा? वेल ओके, तुम्हें क्या लगता है लोरिन आई कैसे काम करेगा? मैं तुम्हारी रिकमेंडेशन ट्रस्ट करता हूँ, अगर ये कॉर्नर को हमारे तरफ ओपन करवा सकती है प्लीज़ कॉर्नर का ध्यान रखना। थैंक्स, नो प्रॉब्लम, मुझे कॉर्नर पसंद है, मैं इसकी सडन टेंडरनेस को यूज़ नहीं कर पा रही। लेबोरेटरी,
स्टेला मुझे माफ़ कर दो, मेरे पेरेंट्स ने जो भी कल करा था ये ठीक है, मैंने दिल पे नहीं लिया। तुम्हें क्या लगता है स्टेला और जशन ने कब डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा? स्टेला ये फॉर्मली जशन के पेरेंट्स से भी मिली है। ओ माय गॉड, ये कितनी लकी है, कौन जाने। स्टेला तो मेडिकोर है, ये जशन उस पर क्या प्यार में क्यों पड़ेगा? जशन कैन प्लीज़ जाओगे यहाँ से? चुप हो जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। इतना एनवेबल है एक जीनियस जोशन की तरफ, वो भी स्टेला के प्यार में पड़ गया। वाह, वो ओल्ड हाउस में कल खुश था, इतने अचानक से बैड मन में किया, मुझे और केयरफुल होना होगा। रुको, तुमने तो पूरे अच्छे से ड्रेसअप कर रखे, क्या तुम जोशन को दोबारा देखने जा रहे हैं? मैंने सुना था, जब मैं लैब में था तो मैंने उसके बारे में कुछ सुना था। ये ऐसा नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, जोशन ने मुझसे सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आया था उस गलत फहमी के लिए, बट मैंने उसे इग्नोर करा। कौन इतना चैटी होगा कि सब मेरे लिए चीज़ें सेटअप कर रहा है? जोशन, जोशन अपनी ना आवाज़ से संभल के रहो। नहीं देन, तुम किसे देखने जा रही हो ऐसे ड्रेस होके? मेरे कज़न को। हाँ, मेरे कज़न की बर्थडे पार्टी है नाइट क्लब में, उसने मुझे बाहर इनवाइट कराया है। ये मुझे दोबारा से कॉल करी, मुझे जाना होगा। बाय एनिमीज इन द मीट, होल्ड ऑन, मैं अपने रास्ते में हूँ। इसने जैकी और जोशो से कब मिली? मुझे चिल की फील हो रहा है। मैंने ये देखा था जब मैं ये चार्लिन के लिए गिफ्ट पैक कर रहा था ना, तब मुझे नहीं देखा, मुझे पसंद आया तो मैंने खरीद लिया। थैंक्स, बट ये सही नहीं है मेरे लिए कि तुम्हारे कोट पहन लो। इसे पहन लो, तुम्हारे कोल्ड हो रहा है ना। ये सिर्फ एक कपड़े का ही तो, एक कपड़े का ही तो पीस है, अपने आप को ऐसे फ्रीज मत करो। वेल ऑल राइट देन, आई होप लियोन हमें ऐसा ना देखे। क्या मैं इसकी फ्रीज हो रही है? मैं लियोन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे लिए कपड़े लिए, तुम बैटर के अपना मुंह बंद कर लो। स्टेला, लियोन कौन है? ऑल राइट, ये हमारी बर्थडे गर्ल का समय है कि वो कैंडल्स को बुझाए। वेट, इतनी जल्दी नहीं, जो गेम अभी ओवर नहीं हुई। स्टेला, तुमने मेरे साथ कभी गेम नहीं खेले ना, कैसा होगा कि हम एक साथ खेलें? कम ऑन, फाइन। मैक्स ये सारी चीज़ें लियोन के बारे में से एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी, मैं बेटर है कि अपॉर्चुनिटी लूँ ताकि सबका फोकस ना शिफ्ट कर सकूँ। हे, गुड टॉप पे कुछ करो। ओ नो, मुझे मार देगा, ये बहुत हार्ड है इसे खेलना। नाइट क्लब में आ नहीं रहा, यहाँ पे कोई है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा देखने के लिए। एडविन फ्यूम, वो वापस आ गया है, मैं वहाँ आधे घंटे में होऊंगा। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ सेम प्लेस पे, नाइट क्लब में। स्टेला, तुम बेटर है, मेरे लिए और मुसीबत खड़ी मत करो इस समय। जाकी प्राइवेट रूम नाइट क्लब, तुम क्या देख रहे हो? हाँ लियोन, कुछ नहीं, मैंने अभी जाकी को देखा। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ? ये समय नहीं है कि तुम सोन फैमिली के साथ फाइट स्टार्ट कर दो। लियोन शांत हो जाओ, शायद ये सियोन फैमिली की वजह से नहीं कि लियोन ऐसा है। ओह ये हम जीत गए, तुम बहुत गुड और तुम बहुत जल्दी सीख लेती हो। सेम टू यू। ओह लियोन, ओह माय स्टेला, यहाँ पे आओ और कुछ केक खाओ। ओके, क्या इत्तेफाक है, लियोन के जो लड़की है ये वही है जिससे तुम्हारी मिस्ट्रेस वाइफ ही है? मैं सही हूँ ना, तुम इसके बारे में बहुत केयर करते हो। हमारी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर मैरिज है, ऐसा है क्या? लियोन तुम यहाँ हो, तुम भी यहाँ हो। लियोन का प्राइवेट रूम नाइट क्लब, क्लियरली हमारे पास कुछ ज़्यादा ही केक है, चलो कुछ शेयर करते हैं उन हैंडसम गाय नेक्स्ट डोर से। कार्लिन ये लेट हो रहा है, इतनी जल्दबाजी क्या है? तुम शायद उन्हें जानती हो, उन्हें हेलो कह दो जाने से पहले। लियोन प्राइवेट रूम, हे लियोन, लॉन्ग टाइम नो सी, तुम कैसा कर रहे हो? मैं ना ट्राई करूँ ताकि मैं स्मार्टर हो जाऊँ, क्या पता कोई मेरे पीछे मुझे इडियट कहे। हाँ हाँ, मैं ना स्टेला के साथ जोक कर रहा था, आफ्टर ऑल वो एक आउटसाइडर नहीं है। देन फिर उसे तुम्हारे इंसल्ट करने दो, देखते हैं कि तुम फिर भी इतनी हैप्पीली हंस पाओगे। स्टेला तुमने सुना ना उसने क्या करा, मदद करो मेरे शेरअप करने के लिए। मुझे नहीं लगता स्टेला इतनी बोल्ड है करने के लिए। जाके कितना इडियट है, जाके फ्रीकिंग इडियट। जाके सिर्फ एडमिट कर लो और हंस लो। लियोन स्टेला यहाँ पे तुम दोनों के बीच में कुछ तो है। जाके एक कैसे इडियट है, क्या तुम खुश हो अब? लियोन
ये ठीक है कि तुमने मान लिया, अगर मैं खुश होता मैं तुम्हारी तरह नहीं होता, है ना? मेक सेंस, मैं हूँ जिसे पसंद है। ये ऐसे खेलना, तुम सिर्फ इंतज़ार करो। सॉरी गाइस, मुझे इन दो लेडीज़ को घर ड्राइव करना है, मुझे टैब ना कल पिक कर लूँगा कैब। आई होप कि आप मुझे चांस दें माफ़ी मांगने का। ये समय है कि मैं भी घर जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ? बी केयरफुल तुम्हें कोड ना लगे। ये गुड आइडिया, आफ्टर ऑल तुम क्लोजर हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ओ माई कोड के लिए हूँ, गलत आइडिया सोच लेगा दोबारा से। जाके सच में ट्रबल मेकर है। नियॉन्स प्राइवेट रूम नाइट क्लब, क्या तुम्हें कोड लग रहा है? अच्छा चला, व्यू बहुत हो गया। लियोन, क्या तुम्हें सच में लगता है ये तुम्हें बॉम्ब रखेगा? तुमने ये पहना ताकि तुम आदमी को सीड्यूस कर सको? नो मैंने नहीं, मैं सिर्फ अपनी कज़न की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी थी और कुछ भी नहीं। स्टेला, हाँ तुम्हारा लवर तुम्हारे लिए ऑलरेडी आवाज़ लगा रहा है, वो एक ब्रदर की तरह है मेरे लिए। चलो चलते हैं। स्टेला, क्या तुम सच में खुश हो लियोन के साथ? लियोन, तुम्हें किसने बोला कि तुम अंदर आ सकती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें इतनी बार वार्न करा था कि मुझे दूसरों के सामने बैस मत करो, बट तुमने करा एनीवे, तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे एक्शन पर तुम्हें रिफ्लेक्ट करवाऊँ मेरे खुद के रास्ते में। मैं जानती हूँ मेरी जगह। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एम्बेरस हूँ किसी भी रास्ते में, देन मुझे किसी और के साथ रिप्लेस कर दो। सॉरी, तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें कब डिवोर्स चाहिए और कब नहीं। मैं लियोन के लिए क्या हूँ? मिस्टर लियोन मिस क्यों जा रही हैं, उसे जाने दो। डैम इट, सॉरी बट जो नंबर आपने डायल करा है वो करंटली अनबिलीवेबल है। तुम अपना फ़ोन आंसर क्यों नहीं कर रही हैं? पांडा, जाओ कार रेडी करो। मिस्टर लियोन, आप केयर मिस क्यों के बारे में केयर करते हैं, फिर भी आप उन्होंने ऐसे जाने क्यों दिया? शट अप, ऑलवेज इतना मीन होता है बाहर से बट सॉफ्ट होता है इनसाइड से। यही मेरा बॉस है। ऑल राइट, क्या यहाँ पे कोई दूसरा रोड है? नहीं, यही एक रोड है इस एरिया में। पिक करो फोन, डैम इट, टर्न बैक करो। हम चेक करें सर्विलेंस कैमरा, प्लीज़ मुझे बताना कि तुम ठीक हो। देखो मिस्टर लियोन, लियोन हमेशा मेरी तरफ इतना मीन क्यों रहता है? मैंने जो करा था वो अपने कज़न की बर्थडे पार्टी में जाने ही तो था। लियोन, मैं तुम्हें और फेस कभी दोबारा नहीं देखूँगी। लियोन, तुमने मुझे कैसे ढूँढा? मैं तुम्हारा फेस कभी देखना नहीं चाहती। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बारे में सोच प्लान कर रही हो? मेरा इंतज़ार करो, ये जो जर्नी है ना, ये डिस्ट्रैक्टेड उन सारी चीज़ों थोड़ी देर के लिए तुमने मुझे अलाउ करा तुम्हें बेटर जानने के लिए। चला क्यों, तुम बेटर है कि दोबारा सोचो बोलने से पहले। ये सेफ थी पूरे समय, हाँ यहाँ पर हो आप मिस क्यों? मिस्टर लुक सर्च कर रहे थे आपके लिए हर जगह। शट अप, लियोन मेरी चिंता कर रहा था। लियोन, मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती? सॉरी, मेरा मतलब नहीं था, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे गलत समझा गया है। तुम ही एक इंसान हो जिसके साथ मैं क्लोजर होना चाहती हूँ, बट जो भी हुआ रात को वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। मैं एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश कर रही हूँ, अगर फिर भी ये रियल नहीं है तो मुझे माफ़ कर दो कि मैंने सोचने से बिना कुछ सोचे ही बोल दिया। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम भागना मत, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि लियोन मुझसे माफ़ी मांग रहा है। ये ऑलरेडी लेट हो रहा है, मैं तुम्हें घर वापस लेकर जाऊँगा। क्या मेरे पास अभी भी एक जगह है जिसे घर कह सकते हैं? एक्चुअली लियोन एक प्रीटी गुड गाय है, ये सिर्फ एक थोड़ा सा लिटिल बॉस ही है। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं स्टेला के साथ, हमारे रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही हैं, लुक फैमिली की रेपुटेशन को ख़राब कर रही हैं। मुझे इसे वेकेशन ले जाना चाहिए अब्रॉड पे, ताकि पता लग पाऊँ कि कौन ये सब कर रहा है। अपने बैग पैक करो हमारे और स्टेला को वेकेशन लेकर चलो अब्रॉड पे। मीनिंग वेल, उस पर नज़र रखना कि घर पे क्या हो रहा है। समझ गए, चिंता मत करो। अगले दिन लियोन चला गया। मुझे थोड़ा मिस तो कर रही हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ? ऐसे सपने देखना बंद करो, तुम्हारा रिलेशनशिप उसके साथ पूरे कॉन्ट्रैक्टल है, ये कभी फ्रूट नहीं होगा। तुम क्या सोच रही हो?
समय हो चुका है कि तुम बेड से उतरो। हाँ, मैंने एक स्कूल की छुट्टी मांगी थी, मुझे क्लासेस अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वेकेशन पे लेकर जा रहा हूँ, एक वेकेशन। मिस्टर ल्यूक, मैंने आप दोनों के बैग पैक करना फिनिश कर दिया है, जो फ्लाइट है ना वो 10 AM है। समझ गया। लियोन मुझे वेकेशन पे लेकर जा रहा है, इतना नाइस क्यों बन रहा है आज? क्या तुम चाहती हो या नहीं? यस ऑफ कोर्स, मैं अभी इमिजिएटली रेडी होती हूँ। ये फर्स्ट टाइम है मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे ड्रेस कर अच्छे से ड्रेसअप करना चाहिए उस ओकेशन के लिए, मैं इसे दोबारा एम्बेरस नहीं करूँगी। चलो चलते हैं, कम ऑन। VIP डिपार्टमेंट लॉन्ग, ये अभी भी एक ड्रीम की तरह लग रहा है। क्या कुछ है मेरे चेहरे पे? नहीं, कुछ भी नहीं। चेक इन शुरू हो चुके हैं, जो फ्लाइट है ना उसे टू हवाई। चलो चलते हैं। हेलो एवरीवन, ये वाला एपिसोड यहीं तक है। आई होप आपको ये वाली सीरीज़ यहाँ तक पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।